ने नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा पैसा मिलता तो है एकरा ऑर्गेनिक के। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह का 8 बज गया है और ये चाय दुकान से हम लोग दिन का शुरुआत करते हैं और यहाँ का दिन का शुरुआत करने से हम लोग का दिन बहुत बढ़िया शुभारंभ होता है। और आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं बाबू? आज हम लोग पब्लिक को दिखाएंगे कि कम लागत में कैसे इनकम कर सकते हैं और नॉर्मल बिजनेस प्लान है जो कि कोई भी कर सकता है। चैनल बने रहो, देखते रहो, क्या आप लोग को दिखाएंगे क्या नहीं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही रिस्की वाला जगह से जा रहे हैं। तब रास्ता कैसा लगा आपको? लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए पूरा। सो गाइस, आज हम आप लोग को एक ऐसे जगह पे ले आए हैं जहाँ से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको और बहुत नए साल में नया इन्वेस्ट करके, नया बिजनेस प्लान करके आप कैसे कम लागत में लाखों करोड़ों रुपये कैसे कमा सकते हैं वो आप लोग को बताएंगे। सो हम लोग आप लोग आज बताने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। सो गाइस देखिए, यहाँ पे बहुत ही हाईटेक तरीके से फार्मिंग किया जाता है। देखिए इधर ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम भी लगा हुआ है। यहाँ पे अभी टमाटर लगा हुआ है शायद, आई थिंक। देखिए इधर, और सब ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कोई फर्टिलाइजर और ये यूरिया वगैरह यूज नहीं होता है। ये भी है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च है इधर, देखिए देखने के लिए आए हुए हैं। इधर देखिए बीन है, आप लोग को देख सकते हैं बीन होगा ये। देखिए इसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। छिद्र है वो अपने पानी, पाइप लगा हुआ है यहाँ पे, उसका जड़ में डायरेक्ट पानी ड्रिप होता है। क्या निकाल रहे हैं देखते हैं, उनसे पूछते हैं। ये देखिए मटर लगा हुआ है, इधर टमाटर है, इधर देखिए शिमला मिर्च भी है, शिमला मिर्च है देखिए। गाइस देखिए मामा मटर निकाल के खा रहे हैं। कैसा लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का? ये रहा मटर, बहुत मीठा है। सो गाइस देखिए सब ऑर्गेनिक फार्म का है। ये टमाटर है, ऑर्गेनिक मटर भी लगा हुआ है। देखिए गाइस मटर निकला हुआ है इधर, सब ऑर्गेनिक है। देखिए ये प्लास्टिक है, इसका बीच बीच में ये पाइप है और ये इरिगेशन होता है, डायरेक्ट इसके जड़ में जाता है वहाँ पाइप से। प्लास्टिक को कहाँ लगवा थे? जोते से मतलब कि ई कहाँ लगवा थी प्लास्टिक को? जैसे घास ना है तो जैसे एक जोतल में 3 बार रोपा है। एकर में तो कोई खाद उद ना यूज करे थे बा? खाद ये पहले गोबर, गोबर ने खाली गोबर, अब फिर रोपे के समय केचुआ खाद का केचुआ सब डाला ने। कोई यूरिया और ये सब ना यूज करा? यूरिया फर्टिलाइजर ना है ने। बहुत बढ़िया, इतना इन्वेस्टमेंट लागो तो कितना खर्चा लागो है इतना में? डेढ़ लाख और कितना कमेला? अढ़ाई लाख कमेला, ज्यादा कमेला बा? और उधर शिमला मिर्च है और कुछ लगे ले अलग। टमाटर हुआ, टमाटर तो बहुत निकले ले तो ठीक है। ओ मतलब कि हाँ लॉस में चल गए लो फर्श भी नहीं है ना। मटर कितना निकला लो इस? हाँ चार बार। कितना के सेल है जाओ? 50 किलो। तो ही लोकल मार्केट में बेचा के तो दूसर जगह बेचना चाहे ज्यादा पैसा मिलता तो? हाँ जब ज्यादा व्यापारी खोजे हाँ तो के बोल दें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग लागो। हाँ, ज्यादा प्रोडक्शन ना है लालो मतलब ना। ज्यादा हेला से नहीं व्यापारी हाँ। तरबूज में भेले हाँ, तरबूज भी रोप ले रखना है। हाँ, चार पिकअप निकले ले तो उलत महंगा बिकल है तो। हाँ,
तू ज्यादा महंगा बिकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा महंगा बिका है। तो इन मार्केट में एकरा ना सेल करे पाए लागल है, देला ने नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा पैसा मिलतो एकर। ऐसा ना हुआ। ये मटर बहुत ज्यादा ही मीठा है, एक बार खा के देख लेना। ऑर्गेनिक फार्म का जो मटर होता है वो बहुत ही मीठा होता है, और जो नॉर्मल जैसे कि फर्टिलाइजर यूज करके उगाते हैं उसका स्वाद अलग होता है। लोकल बाजार में बेच लाला, एकरा ज्यादा पैसा मिलतो तोरा। 40 रुपया तो नॉर्मल सब के जाय लागल, जे फर्टिलाइजर यूज करके भी कर लाल ओकरो जाय लागल। तोरा ज्यादा पैसा मिलतो काहे कि तो नेचुरल तरीके से उगा लागल है, एकरा ऑर्गेनिक फार्मिंग लाइल। दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आइए आप लोग भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको सही जगह पे बेचिए क्योंकि आपको ज्यादा रेट मिलेगा। तो आने वाला टाइम पे क्या आपको लगता है कि आप भी ऑर्गेनिक फार्म से जुड़ सकते हैं? हाँ, मैं तो जुड़ना चाहूंगा। मैं मेरा बहुत ही मन है कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँ, बहुत ही मन है मेरा, क्योंकि नेचुरल फूड खाने से शायद इंसान ज्यादा दिन जीता है। और हमारे धोनी जी जो हमारे झारखंड के बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं वो भी ये कर रहे हैं, तो कुछ हम लोग कर ही सकते हैं। ट्रेनिंग कर चुके हैं, इंटरमीडिएट के बाद में इसका ट्रेनिंग होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है। वो जो कर रहे हैं उन लोग से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोग भी ये बेझिझक ये फार्मिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आने वाले समय में बहुत इसका डिमांड होने वाला है हमारे मार्केट में। तो मामा, आपको यहाँ ले कर आए, आप क्या सीखे यहाँ से, क्या क्या देखे, क्या क्या ऑब्जर्व किए? आज तो यहाँ पे आए तो हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। पहला तो वही बोलना चाहेंगे कि जो गांव में युवा लोग होते हैं या गांव के लोग होते हैं जो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, अब बोलते हैं हमारे गांव में रोज़गार नहीं है, हम बेरोज़गार हैं। तो भाई, अभी के समय में कोई बेरोज़गार नहीं है, एक करने का जुनून और एक क्षमता होना चाहिए, क्योंकि सोच भी होना चाहिए। गाँव में सबके पास अपना ज़मीन है और वो खेती बाड़ी कर ऐसा फार्मिंग करके वो लाखों रुपया कमा सकता है। जो भाई लोग दिल्ली मुंबई बाहर चले जाते हैं उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, ठीक है, कि अब घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते स्ट्रगल और मेहनत करना होगा। खेती बाड़ी में भी बहुत पैसा है, जो गांव में बोलते कि खेती बाड़ी में कोई पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो लोग ऐसे जगह पे आएँ, विजिट करें, घूमें, देखें कि कैसे खेती किया जाता है, और ये सीख के जाएँ और अपने हर गाँव से आप खेती बाड़ी करके और पूरे मार्केट में सेल के लिए ला सकते हैं। आ रहा ठीक फोटो वीडियो। चलिए एक बार इसे खींचे। सो गाइस, आज के ये व्लॉग में आप लोग कुछ नया सीखे होंगे अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मिलते हैं आपको ऐसे ही नए वीडियो के साथ, नए बिजनेस प्लान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड, बाय।